नमस्कार, मैं डॉक्टर थारा डाइट योगा एंड आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी चमड़ी की बीमारी और बालों की समस्या के लिए लहसुन का इस्तेमाल कैसे करें और लहसुन इस्तेमाल करते समय क्या ध्यान में रखें। लहसुन में विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, पोटेशियम और सेलेनियम होता है। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों से त्वचा की रक्षा करता है और त्वचा को एजिंग की साइन से बचाता है। लहसुन एंटी इंफ्लामेटरी और रोगाणु विरोधी होने के कारण कील, मुहासे के निशान, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के इलाज के लिए भी उपयोगी है। लहसुन गंदगी और तेल के संचय को रोकता है और पोर्स को कम करने में मदद करता है। लहसुन सूखी परतदार कटी हुई त्वचा को ठीक करता है और जलन को शांत करके त्वचा को हाइड्रेट और चिकनाई देता है। इसलिए लहसुन सोरियासिस और एक्जिमा को शांत करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लहसुन में रहा नेचुरल ऑयल स्ट्रेच मार्क को ठीक करने में मदद करता है। त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए दृढ़, कोमल और स्वच्छ स्किन पाने के लिए लहसुन का आप यूज कर सकते हैं। लहसुन में सेलेनियम, एलिसिन, विटामिन सी, तांबा और जिंक भी होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अभी बात करते हैं कि इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। शरीर का 70% आयरन खून में पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। खून में लोह को ज्यादा अवशोषित करने में लहसुन मदद करता है और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की बीमारी से बचाता है। कील को ठीक करने में कच्चे लहसुन का जूस, गर्म किया हुआ लहसुन का जूस, सूखे हुए लहसुन का पाउडर या लहसुन के सार का प्रयोग कर सकते हैं। अंगूर का तेल, जोजोबा तेल या नारियल के तेल के साथ लहसुन को थोड़ी मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करने से मुहासे ठीक होते हैं। कटा हुआ लहसुन या कॉमर्शियल लहसुन का तेल दिन में 2 से 3 बार लगाया जा सकता है जो 2 से 3 हफ्तों में कील को ठीक करता है। मिट्टी के पीक में लहसुन के तेल की कुछ बूंदे मिला दे, उसे पेस्ट बना के वो पेस्ट को चेहरे पे 10 मिनट रखने के बाद ठंडे पानी से धो दे, जिससे कील में आराम मिलता है। 1 लहसुन 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच ओटमील पाउडर, 2 से 3 चम्मच चाय के पेड़ का तेल, ये सब मिक्स करके एक स्मूथ पेक बनाइए और गाढ़ी पेस्ट चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के बाद चेहरा पानी से धो दे। उसके बाद तुरंत अपनी फेस क्रीम लगाए, जिससे कील मुहासे से होने वाली जलन और लालिमा में आराम मिलता है। लहसुन से चमड़ी की चमक बढ़ाने के लिए 1 लहसुन की कली, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून नारियल का तेल मिक्स करके एक फेस मास्क बनाइए जो त्वचा को साफ, हाइड्रेट और पोषण करता है और माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे फ्रेशनेस बढ़ेगी और त्वचा की चमक बढ़ेगी। ये पेस्ट को 10 मिनट लगाने के बाद चेहरा धो दे। उसके बाद फेस क्रीम जरूर से लगाइए। स्ट्रेच मार्क मृत त्वचा की केशिकाएं है। लहसुन के साथ गरम सरसों तेल की मालिश स्ट्रेच मार्क को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते है। ताजा लहसुन की लोंग को मसल कर मसों पे इस्तेमाल कर सकते है। विटिलिगो सफेद पेच ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या संक्रमण के कारण होता है। लहसुन का रस या लहसुन का तेल सफेद पेच पर लगाने के वक्त उस पर घाव या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। सफेद पेच पर लहसुन को इस्तेमाल करते समय डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। लहसुन की 2 से 3 कली आप रोज कच्ची भी खा सकते हैं। लहसुन टिंचर जो शरीर को साफ करता है, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। नींबू का रस और लहसुन बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। लहसुन और दूध भी बॉडी की सफाई करता है। दूध से लहसुन की गर्म प्रकृति कम हो जाती है। लहसुन का टिंचर किडनी की बीमारी, गर्भवती महिला और एपिलेप्सी के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। लहसुन बिच्छू सेप्टिपीड जैसे कीड़ों के काटने से होने वाले दर्द को ठीक करता है। नमक के साथ ताजा लहसुन का रस खरोच, मोच और दाद पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B6 एंड विटामिन B1 भरपूर मात्रा में होने के कारण लहसुन बालों को झड़ने से रोकता है और बालों की गुणवत्ता और लंबाई बढ़ाता है। लहसुन के तेल को सिर में लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये तेल रात भर बालों में लगाने के बाद सुबह हल्के शैम्पू और पानी से बाल धो दीजिए। डेंड्रफ ये स्केल्प के सूखे हुए गुच्छे है। लहसुन का तेल रात भर बालों में लगाकर रखें और सुबह ठंडे पानी और शैम्पू से बाल धोने से डेंड्रफ और उसके कारण होने
होने वाली खुजली में आराम मिलता है। रूस के चिकित्सक घाव के उपचार के लिए लहसुन का उपयोग करते हैं। लहसुन घाव को साफ करता है, 48 घंटों में उसको सुधार भी करता है। मवाद वाले घावों के लिए भी लहसुन का उपयोग किया जाता है। लहसुन के तेल का प्रयोग फंगल इन्फेक्शन, मसा, कोन्स, दाद, एथलीक फुट और सोरियासिस के लिए किया जाता है। सोरियासिस में त्वचा की केशिकाएं संयुक्त हो जाती है और त्वचा पर पपड़ी और खुजली आती है और शुष्क पेच बनाती है। लहसुन का तेल उस पर इस्तेमाल करने से आराम देता है। कच्चा लहसुन खाना त्वचा, बाल और शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, जो रक्त प्रवाह बढ़ाकर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। लहसुन का तेल बनाने के लिए लहसुन की एक लौंग को कूट कर 1/4 कप ओलिव ऑयल जैतून के तेल के साथ थोड़ा सा गर्म करें। याद रखे, ज्यादा गर्म ना करें, नहीं तो लहसुन जल जाएगा। उसके अलावा बुखार, मच्छर से बचने के लिए, मलेरिया, मानसिक रोग, आंख, दांत और कान के लिए, डायबिटीज और वजन कम करने के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो जरूर देखें। लहसुन को चमड़ी पर लगाने के समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है। लहसुन से एलर्जी होने पर त्वचा लाल, फफोले, जलन और सूजन हो सकती है। उसके अलावा अस्थमा, पित्त, एनाफिलिक रिएक्शन, राइनो कंजक्टिवाइटिस भी लहसुन से हो सकता है। अगर लहसुन से सांस लेने में कठिनाई, होठ, जीभ और चेहरे पर सूजन, मुंह, पेट और गले में जलन, उल्टी, दस्त, पसीना बहुत ज्यादा आना, लाइट हेडनेस, प्रकाश सहन ना होना, एक्जिमा या शरीर पर दाने निकले तो डॉक्टर का संपर्क जरूर करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। बाय बाय।